तो अब हम यस एक ऐसे लड़के की बात कर रहे हैं जो कि इम्प्रूवमेंट देके मैथ्स में 34 नंबर ला के उसके बाद स्पॉन्सरशिप निकाल के मर्चेंट नेवी ज्वाइन करी और वहां पर पहुंचा। हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मर्चेंट नेवी डिकोडेड। मेरे साथ आज नवजोत सिंह, जो कि कॉमनली इंस्टाग्राम पे जाने जाते हैं सिंग ऑफ सीज के नाम से। टू बी वेरी ऑनेस्ट, सिंग ऑफ सीज, चलो नवजोत ये बताओ सिंग ऑफ सीज ही नाम क्यों रखा पहले ये बताओ, व्हाई सिंग ऑफ सीज? फर्स्ट ऑफ ऑल जय माता दी, सत श्री अकाल, हेलो, गुड इवनिंग यस टू ऑल व्यूअर्स एंड टू यू टू सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। ओके, सो सिंग ऑफ सीज, अभी मेरे प्रोफाइल पे भी नहीं पता होगा मेरा असली नाम क्या है। मैंने अपना असली नाम नहीं रखा हुआ, आप किसी को हाँ मेरा असली नाम नहीं पता। एंड मेरा एक पर्सनल अकाउंट भी है जिसमें सिर्फ मेरे फ्रेंड्स, फैमिली और बहुत क्लोज रिलेटिव्स वगैरह हैं, ये सब ओपन टू ऑल है। क्योंकि जब मैं चाहता था कि जब शुरू हुआ सिंग ऑफ सीज, पंजाब में बहुत कम इन्फॉर्मेशन है मर्चेंट नेवी के बारे में। सो आई वॉन्टेड टू पुट इन्फॉर्मेशन आउटसाइड कि भाई ऐसी लाइफ होती है, ऐसे आया जाता है, ऐसे एजेंट से बचा जाता है। सो मेरा मेन पर्पस ये था, और मैं पंजाब से हूँ, और इट वॉज लाइक कैची यूजर नेम SOS सेवा लाइव और सिंग ऑफ सीज। सो ये सब कोलाबरेट करके आई पुट इट सिंग ऑफ सीज। ओके नवजोत, तुम्हारी जो बैकग्राउंड है वो है इंडियन नेवी से, योर फादर वॉज फ्रॉम इंडियन नेवी। यस सर, सो तुम्हारा कभी मन नहीं करा कि यार मैं भी इंडियन नेवी ही ज्वाइन करूं, मर्चेंट नेवी ज्वाइन करी, वाय? तो मेरा शुरू से था कि मेरे को नेवी में ही जाना है, पानी में ही जाना है, आई एम मेंट फॉर सी। सो आई द कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी, BSF में भी नेवी डिपार्टमेंट ज्वाइन करता मैं। सो आई वांटेड टू कम इन नेवी, तो एंड दैट्स भी मर्चेंट मेरी बात हो नेवी, रही थी पहले से, आई वांटेड हाँ टू नेवी। तो ऐसा मर्चेंट नहीं है कि मैंने ट्राई नहीं किया, आई ट्राइड फॉर NDA, एंड मैंने कोस्ट गार्ड के लिए भी ट्राई किया, मैंने अप्रेंटिस का फॉर्म भर के रखा था, बट मैंने बच नेवी भी रखा था। सो आई वॉज लाइक कि कहीं भी हो जाए, सो आई हैव प्लेस माई ऑप्शन, एंड यहाँ पे बाय गॉड ग्रेस यहाँ पे मेरी बात बनी और मैं यहाँ पे आ गया। ओके तो यार द थिंग इज कि नवजोत, जिन लोगों को नहीं पता है कि नवजोत से मैं आज पहली बार बात कर रहा हूँ इतने डिटेल में, तो इस ओके, इंटरव्यू से पहले मैं नवजोत से कुछ कुछ चीजें जान रहा था, सो दैट आई कैन नो कि नवजोत कैसी कौन सी चीज निकालूं जो कि नवजोत ने शायद किसी को नहीं बताई है, और शायद नवजोत थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी महसूस करेगा बताने में। बट एक लीडर की खास बात ये होती है कि वो अपनी वल्नरेबिलिटी पहले रखता है, वो बता सकता है कि यार देखो मैंने ये गलती करी है, या मेरे साथ ऐसा भी हुआ है, और फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ अच्छा करने की, और आगे देखते हैं जय माता दी कहाँ लेके जाती है। लेट अस पुट टुडे नवजोत इन दैट अनकंफर्टेबल सिचुएशन एंड सी कि नवजोत कैसे इसका आंसर देते हैं। नवजोत, 12th में मैथ्स में आपके कितने मार्क्स आए थे? ये सबको नहीं पता, बट चलो आपके चैनल के थ्रू पता चल जाएगा, मेरे मैथ्स में 34 नंबर आए थे। ओके, आपके 34 मार्क्स आए थे, एंड बिल्कुल, स्टिल टुडे मतलब सी गॉड हैज बीन काइंड ऑन यू, यू हैव बीन वर्किंग हार्ड सिंस देन। तो यस, ये नंबर बताने इसलिए जरूरी है कि यार ये दुनिया को पता चले कि आपका पास्ट और आप जो आज हैं यहां पर, इसके बीच में बड़ी यस, सारी चीजें हैं। तो प्लीज एग्जैक्टली, डोंट जस्ट गिव अप, कीप ट्राइंग एंड डोंट गिव अप। एग्जाम्पल, आपके सामने बैठा नवजोत जो कि यार सेकेंड ऑफिसर है दुनिया की जानी मानी कंपनी एंग्लो एशियन में, और अभी आगे भी फेलियर्स हैं तो वो भी जानेंगे। तो नवजोत यार, जब 34 नंबर आए, तुम्हारे पीसीए में नंबर कम थे, तुमने सोचा होगा यार अब मर्चेंट नेवी तो वहां से जा रही है, तो एक साल ड्रॉप लिया, बिल्कुल तो उस एक साल ड्रॉप में क्या सोचा, क्या करेंगे? सर। मेरे मैथ्स मेरा वीक था, बट मेरे बाकी चीज़ें थोड़ी स्ट्रॉन्ग थी। लाइक आई हैड 75 इन इंग्लिश, फिजिक्स केमिस्ट्री मेरे 68 67, एंड हिंदी में भी मेरे 70s में थे। सो आई न्यू कि मेरा बेस ऐसा नहीं है कि आई एम डल, बट वही है कि एक चीज़ मेरा, आई एम लैगिंग बिहाइंड। सो आई हैड अ बिट बेस की तो 55% होता था, तो आई स्टिल हैड अ चांस कि 55, कुछ कंपनीज है जो 55% देती हैं, आज की डेट में 60 65 या 70 भी चली जाती है कंपनीज की, इतना चाहिए हमें एग्रीगेट। सो आई हैड कि यार मेरा हो जाएगा। सो आई आई टुक अ स्टेप बैक, चलो थोड़ा वेट करते हैं। डैड ने भी यही बोला कि तू एक साल इंप्रूवमेंट दे ले, तब तब इंप्रूवमेंट होता था 2 3 महीने में। बट जिस साल मैंने इंप्रूवमेंट देना था उसी साल रूल आया कि यू हैव टू गिव आफ्टर एन ईयर। पहले होता था कि जुलाई में फिर से एग्जाम हो जाते थे, बट फिर मेरे को एक साल वेट करना पड़ा। इसके लिए मैंने फिर कॉलेज गया, लोकल कॉलेज पठानकोट में, BSc कंप्यूटर साइंस ज्वाइन की। ओके तो एक साल जब ड्रॉप लिया, देखो मैं पहले चीज जानना चाहता हूँ, जब तुम 12th में थे, जब तुम कह रहे, तुम सच्ची सच्ची बताना, क्या तुम पढ़ाई करते थे बहुत अच्छे से? बी ऑनेस्ट। नहीं सर, नहीं नहीं, करते मैं मैथ्स मैथ्स के लिए नहीं, नहीं मैथ्स। अच्छा, जब तुमने एक साल मैथ्स नहीं, ड्रॉप वैसे लिया तब भी कितनी पढ़ाई करी? जनरली जनरली भी मैं पढ़ाई नहीं करता, आज हाँ तक मैं करता नहीं हूँ। मैं जो क्लास में मेरे को सुन लिया सुन लिया, जो घर पे आके एग्जाम से 4 5 दिन पहले जो पढ़ लिया पढ़ लिया, वरना वैसे होता प्रैक्टिस करो या रिविजन करो, क्वेश्चन फास्ट क्वेश्चन पेपर देखो, कुछ भी नहीं करता कभी मैं। नहीं। तो 12th में जब एक साल ड्रॉप लिया, इंप्रूवमेंट की तैयारी करने गए, फिर कितनी पढ़ाई करी?
तभी कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स आ गई थी, उसकी वजह से थोड़ा पढ़ नहीं पाया, और खुद भी मेरे को वही मेरा एटीट्यूड थोड़ा ऐसा है कि भाई कोई फ्री कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल कर लेंगे, देख लेंगे, तो था नहीं मेरे को, पता नहीं क्यों हमेशा पीछे से कॉन्फिडेंस है, पता नहीं किसी से कॉन्फिडेंस, आई एम कॉन्फिडेंट कि भाई नहीं मैं कर लूंगा, ले लूंगा कुछ ना कुछ, कर लूंगा कुछ ना कुछ, तो करके ले जाऊंगा। मेरे को ये था, पढ़ाई मेरे से नहीं होगी है, पढ़ाई नहीं होगी, बट मेरे को था कि ये नहीं तो ये, आई ऑलवेज हैड प्लान कि ये नहीं तो ये, ये नहीं तो ये, ये नहीं तो ये, मेरा कहीं ना कहीं हमेशा सेट बैठता था, और मैं कोई आई वाज श्योर कि कहीं ना कहीं मैं निकलूंगा। तो चलो जैसे तैसे करके मातरण ने चाहा और मर्चेंट नेवी में आपकी आगमन हो गया, बिल्कुल इंप्रूवमेंट देने के बाद। अच्छा ये एक चीज और है, पीपल आई डू नॉट नो नो दैट और नॉट डोंट नो, एट द एज ऑफ 18 यू लॉस्ट योर फादर हु वाज इन इंडियन नेवी, सो यू वर जस्ट 18 इयर्स ओल्ड एंड यू हैड एन एल्डर सिस्टर, वो यार एक बहुत टफ टाइम रहा होगा, वो टाइम कैसे निकला जब पता चला, वाज इट अ शॉक कि पापा को पहले से हार्ट डिजीज था? नहीं, वो बिल्कुल हेल्दी थे, ही वाज वेरी गुड लुकिंग एंड स्मार्ट गाय एंड मोर जॉली देन जॉलियर देन मी, उनकी बहुत नेचर अच्छी थी और खाने पीने में भी सही थे, कुछ ऐसा उल्टी सीधी नहीं था, बट ही जॉइन ही वाज ही हैड गॉन टू जॉइन अ न्यू जॉब इन वाराणसी एज अ सिक्योरिटी सुपरवाइजर, तो अचानक से ही वो जब डिनर करके बैठे तो उनके जो नीचे सर्वेंट्स थे उन्होंने बताया कि ही वाज फीलिंग अनकंफर्टेबल, उनको गर्मी लगी, वो बाहर आकर बैठे, दोबारा आके बैठे, ही वाज इनटू पूजा पाठ बाय द एंड ऑफ हिज एज, तो वो पूजा पाठ करते करते पीछे गिर गए एंड this is how he deceased. So when you came to, so it was, it was a total shock, total shock, total shock, and then yeah, everything shattered and we were lost, like ab kya, what next, but फिर धीरे धीरे हमने बदल जाती है यार एकदम से, मतलब तुम्हें एकदम से तुम बच्चे से घर के दी रिस्पांसिबिलिटी एकदम से लगने लगी होगी, अब तो जिम्मेदारी पड़ गई यार अब तो। हमारे सिखिज्म में एक होता है कि दस्तार बंदी एक फंक्शन होता है, मतलब व्हेन वंस अ गाय स्टार्ट्स वेयरिंग टर्बन तो दस्तार बंदी फंक्शन किया जाता है, तो जब डैड ऐसे हुए तो उसके कुछ दिनों बाद ही मेरी दस्तार बंदी होगी, सो लाइक आई वॉज द मैन ऑफ द हाउस, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे आ गई थी, आई वॉज थिंकिंग कि कोई भी जॉब ज्वाइन करूंगा मैं, मेरे को किसी भी रैंक पे चले जाऊंगा, मैं क्रू चले जाऊंगा, बट मेरे को था कि पैसे कमाने हैं, बहन की शादी करनी है, अपना बेस बनाना है, तो मेरे ऐसे ही आ गया था, एटीट्यूड चेंज हो गया था। तो उसके बाद ही तुमने मर्चेंट नेवी के लिए ट्राई करा एंड यू गॉट स्पॉन्सरशिप फ्रॉम तुलानी शिपिंग एंड यू जॉइन तुलानी मैरिटाइम इंस्टीट्यूट। तो अब हम एक ऐसे लड़के की बात कर रहे हैं जो कि इम्प्रूवमेंट देके मैथ्स में 34 नंबर लाके उसके बाद स्पॉन्सरशिप निकाल के मर्चेंट नेवी ज्वाइन करी और वहां पर पहुंचा तुलानी के अंदर, जब तुलानी मैरिटाइम इंस्टीट्यूट में आप 1 ईयर कोर्स कर रहे थे, और कैसा था वहां का एक्सपीरियंस, कैसा था? It was lovely sir, amazing. मैं हमेशा, मेरे को स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था, I was into cricket earlier, but यहाँ पे मैंने रियलाइज किया कि मैं रनिंग में बहुत अच्छा हूँ, तो फिर क्रॉस कंट्रीज में दौड़ने लग पड़ा, एंड देन मतलब अलग अलग ऑल ओवर इंडिया लोग लड़के लड़के मिले, अब मैं पंजाब से यहाँ कॉलेज से लड़के पढ़ के गया हुआ था, तो मेरे को थोड़ा मेरा थॉट प्रोसेस अलग था, लड़ाइयों में था, कभी किसी से लड़ाई होगी, छोटी सी बात भी हो जाए, वहाँ पे भी शुरुआत लड़ाई लड़ाई से हुई, बट लेटर आई रियलाइज कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत गलत था, क्योंकि रेस्टिकेट भी हो सकते थे हम लोग छोटी गलती के लिए, बट एनी वे आई लर्न इट अ हार्ड वे, कि हार्ड वे नहीं, मेरे को सीनियर अच्छे मिले, उन्होंने बहुत समझाया मेरे को, एंड देन मैंने मेरा पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया, मेरे नेचर, मेरे बोलने का तरीका, बात करने का तरीका, दोस्त मेरे, एंड वहाँ पे ऑल ओवर द इंडिया लड़के थे, अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड से, कोई बहुत जैसे मेरे जैसा कि बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आ रहा था, एक बहुत ही अमीर, कोई डैड होम मिनिस्ट्री में है, और कोई मतलब बड़े बड़े अच्छे अच्छे घरों से लड़के थे, बट हमने कभी ऐसा पैसा देखा ही नहीं, जिसकी जितनी मर्जी पॉकेट मनी है इक्वली कंट्रीब्यूट करके हम घूमने फिरने जाते थे, एंड तुलानी हैड ईच एंड एवरी फैसिलिटी, हमें बाहर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी, अपने ही हम फन फन करते थे, तो वहाँ पे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, और तभी काफ़ी अच्छा रहा मेरा पढ़ाई के मामले में, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में, और मैं पर्सनली मैं खुद अपने को ग्रो होता देखा। बेसिकली मैं बोलूँ, जो लड़का 18 साल का लड़का था जिसने अब सोचा कि अब जिम्मेदारी निभानी है, पिताजी नहीं है घर के, जब कॉलेज पहुंचे तो काफी सारा ट्रांसफॉर्मेशन है, जो छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ होती थी वो बंद हो गई, जो छोटी छोटी बातें बुरी लगती थी वो बंद हो गई, दोस्त यार बनने शुरू हो गए, और स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट अलग लेवल पे आ गया, क्रॉस कंट्री और एनसीसी में मुझे लगता है कि तुमने काफी ज्यादा पार्टिसिपेट किया, वो तुम्हारे अंदर लीडरशिप लेकर आई, ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स लेकर आई, बिल्कुल मैंने कैंप्स वगैरह अटेंड किए थे काफी, एंड द रिजल्ट इज कि आपको मिला बेस्ट कैडेट का अवार्ड तुलानी पे, मैं राइट? तो यहाँ पर वो हम वीडियो दिखाना चाहेंगे जहाँ पर नवजोत सिंह को बेस्ट कैडेट का अवार्ड मिल रहा है। सो नवजोत, बेस्ट कैडेट का जब अवार्ड मिला तुलानी पे, कैसा लगा, कैसी फीलिंग थी वो? उससे पहले तो हमें कंफ्यूजन थी कि किसको मिलेगा, क्रेडिट पॉइंट्स थे, होते थे हर एक चीज़ के लिए, छोटी मोटी चीज़ों के लिए, जो मैं बता रहा हूँ कि मैं लड़ाइयों में था तो बात ऊपर तक नहीं गई, तो मेरे पॉइंट्स नहीं कटे, प्लस आई वाज गुड इन लीडरशिप, तो मैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव था अपने इंस्टीट्यूट में और कॉलेज में बैच रिप्रेजेंटेटिव, तो दो बार कंसेक्यूटिव बना,
फ्रेंड्स का काफी सपोर्ट था, इंस्ट्रक्टर भी अच्छे थे, क्रेडिट पॉइंट्स मेन क्राइटेरिया था, बट पढ़ाई भी क्राइटेरिया था, एंड आई वाज नॉट वेरी मच इनटू इट, जैसे हमेशा से अभी तक होता आया है. सो बट स्पोर्ट्स में था, लीडरशिप क्वालिटी में था, टीचर से अच्छी मेरी थी, तो और ऐसा भी नहीं आई वाज डल, क्वेश्चन कुछ पूछते थे मैं आंसर करता था, बट आई वाज लाइक लिखने में सॉल्व करने में मन नहीं करता यार, बात करने में कर लेंगे हो जाएगा. ओके चलो एग्जैक्टली, केयरफ्री एटीट्यूड. तो फिर जब ये सब करते करते जब मेरे को बताया गया कि आई एम इनटू द रेस, कि शायद मैं बन जाऊं, तो देन आई स्टार्टेड पुटिंग मोर एफर्ट्स, एंड देन आई रियली वांटेड टू हैव इट, एंड व्हेन आई जब मुझे पता लगा कि हाँ भाई आई एम सिलेक्टेड एंड शायद मुझे ही मिलेगी, सो आई वाज इनटू टीयर्स. मैं बाथरूम में जाकर रोया था, स्टाफ का बहुत बाथरूम था, नॉट अलाउड, बट मैं चला गया, मैं वहाँ पे जाके पहले रोया तसल्ली से, फिर बाहर आया, फिर दोस्तों को बताया, आइसक्रीम की पार्टी दी हमने, मैंने 20-20 रुपए की आइसक्रीम खिलाई उनको, बस फिर हम खुश. मम्मी को भी बहुत प्राउड फील हुआ होगा यार. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत 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 प्राउड फील है. मुझे अभी भी याद है तुम तो बेस्ट कैडेट बने, वो बहुत बड़ी बात है. मुझे तो मेरे पासिंग आउट परेड में एक इनाम मिला था, जिसके अंदर मुझे ऐसे करके जाना था, और एक मैंने किसी चीज में किसी कोई एक चीज किसी एग्जाम में टॉप किया था मैंने, तो मेरे पापा उसी में बड़े खुश हो गए थे. तो आई कैन स्टिल फील अभी पिताजी अगर सुन मेरी तो. बिल्कुल, मेरी मॉम और दीदी पठानकोट से स्पेशली पुणे आए थे मेरी पासिंग आउट सेरेमनी के लिए. सो मेरी बहन ने बताया कि जब मेरे को मिल रहा था, शी वांटेड टू स्टैंड अप एंड क्लैप, बट सभी देखेंगे, तो शी हेल्ड हर इमोशंस एंड बट बाहर आके वी सेलिब्रेटेड. ओके तो यार अब आते हैं जर्नी पे. तो भैया तुम कॉलेज से निकले, पहला जहाज किया तुमने तोलानी शिपिंग के साथ, एम आई राइट, एज अ जूनियर, एज अ डेक कैडेट. डेक कैडेट 9 महीने का वो जहाज किया, फिर एक 10.5 महीने का एक और जहाज किया एज अ डेक कैडेट, राइट? हाउ एक्सपीरियंस एज अ डेक कैडेट, कोई तुम्हें कोई ऐसे खराब कप्तान, कोई चीफ ऑफिसर मिले जिसमें तुम्हारी बैंड बजी हो, तुम्हें लगा यार मैं कहां फंस गया, कभी हुआ? नहीं सर, आई वाज सो लकी कि मुझे ऐसा कोई नहीं मिला, एंड आई एम, व्हेन आई एम सेइंग लकी, आई लिटरली मीन दैट आई एम लकी, बिकॉज मैंने बाद में जब मैं ऑफिसर बना, मैंने लड़के देखे हैं कैडेट्स की, थी ऑफिसर ने उनकी बैंड बजा रखी है, बट आई वाज लकी, काफी अच्छे अच्छे लोग मिले और मेरा टाइम काफी अच्छा रहा. बट एक और चीज है, मैं लकी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा एटीट्यूड भी वैसा था, अगर मैं भी थोड़ा काम में अच्छा नहीं होता या मुझे आता जाता नहीं कुछ, या फिर मैं बात नहीं करता मानता उनकी, तो फिर मेरी लाइफ भी हेल होती, तुम भी लकी नहीं होते, तो ये दोनों चीजें मैटर करती हैं. उसके बाद में कहूंगा एक लीडरशिप, एक अच्छा चीफ ऑफिसर कप्तान का मतलब यह है कि अगर आपको खराब कैडेट भी मिले तो आप उसको भी अच्छा बना के निकाल दें. yes. लेकिन एक खराब लीडरशिप का मतलब होता है कि अगर आपको अच्छा कैडेट मिला आप उसको खराब बना दें. राइट? तुझे कुछ नहीं आता, तू गधा है, तू नलायक है, तू कुछ नहीं कर पाएगा, जे 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 धीरे धीरे जो अच्छा था वो भी खराब हो जाए, उससे खराब. जस्ट इन केस मुझे मुझे भी अगर ऐसा बोला भी गया कभी किसी ने, तो मैंने उसको नेगेटिव नहीं लिया, मैंने बोला मैं सोचा कि भाई आई विल प्रूव हिम रॉन्ग. मुझे लोगों को गलत प्रूफ करना, उसके लिए चाहे कितने घंटे काम करने पड़े, कितनी मेहनत करनी पड़े, मैं करूंगा. ग्रेट. अब आते हैं यार वो चीज जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन वो करियर के लिए बड़ी जरूरी है, पढ़ाई. सेकेंड ऑफिसर के जब तुमने सेकेंड मेरिट्स के एग्जाम दिए, रिटर्न निकालने में तुम्हें 4 अटेम्प्ट लगे और ओरल में 7 अटेम्प्ट, सिर्फ नेविगेशन वाले के लिए तुम्हें 7 अटेम्प्ट लगे, नेविगेशन लास्ट जो पेपर था. yes. वो तो मतलब अपने आप में बहुत फ्रस्ट्रेटिंग रहा होगा यार नवजोत, वो फेस कैसा था? वो फेस सर ऐसा था कि अभी मैं पठानकोट से बिलोंग करता हूँ, दिल्ली में हमारे एग्जाम्स होते हैं, आना जाना बहुत डिफिकल्ट होता है, बट स्टिल वहाँ पे सीट भी नहीं होती थी, पर्ची सिस्टम होता था, किस्मत से नंबर आ गया वरना नहीं आएगा, और फॉर्चुनेटली मेरा हर बार नंबर आता था, हर बार मेरा रोल होता था, मैं जब जब मौके मिलते रहे मेरे को, अगर नहीं भी मैं प्रिपेयर होता था ना, कई बार बीच में ऐसे भी दिया है कि आई एम नॉट प्रिपेयर बट चलो चांस ले लेते हैं, सो मैं चांस लेने वाला बंदा हूँ कि देखी जाएगी, देख लेते हैं, चलो चले जाते हैं, वरना कई लोग क्या करते हैं कि थोड़ा तैयार नहीं यार होगा नहीं होगा, बट मैं हमेशा पॉजिटिविटी देखता हूँ कि मैं पॉजिटिव हो जाऊंगा, जितना आता है वो भी कम नहीं है, सो ये सब करते करते उसके बाद जब मेरे सर्वेज मिलते थे, तो फर्स्ट अटेम्प्ट जब हुआ तो सेकंड और थर्ड में फर्स्ट अटेम्प्ट मिल गया, बट फर्स्ट में जो था उसमें आई वाज लैकिंग कॉन्फिडेंस, क्योंकि मेरा एक फंडा जो मुझे बहुत लेट जाके पता लगा, क्योंकि मैं आई वाज नॉट इनटू बुक्स, मैं अच्छे से पढ़ता नहीं था, मैं ऊपर ऊपर से पढ़ता हूँ और ठीक है, मुझे था कि भाई टैंकर अलग एक्शन देता है, बल्क करियर अलग एक्शन देता है, मेरे दिमाग में यही चलता था पहले कि द रूल्स आर अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ वेसल, क्योंकि कभी मैंने किसी को सुना होगा, मैं जो मेरे पढ़ने का तरीका क्या है कि किसी और की बात सुनकर उससे मैं लर्न कर लेता हूँ. यार मैं पहले इस वीडियो काटूंगा तो मैं बताऊंगा नवजोत प्लीज डोंट मेक दिस मिस्टेक, नहीं तो आगे चल के बहुत सारी दिक्कतों में फंसोगे. मैं तुम्हें आज एक बड़े भाई होने के नाते ये इसीलिए यही रीजन है नवजोत कि मैं अभी ये जो मैं वेबसाइट मोचले पे डिकोडर पे ड्रीमर पैकेज विजनरी पैकेज अचीवर पैकेज लॉन्च किया, पता नहीं शायद तुम्हें आइडिया है कि नहीं है, आइडिया सर देखा मैंने, जहां पर मैं कंटेंट बना रहा, तो होता क्या जैसे मैं शिप पे था तो मुझे किसी सेकेंडर ने बोला भाई गैसकेट तो हमेशा बिना कभी उस पर कोपा स्लिप नहीं लगाते,
फिर कोई चीफ मिला, अबे कोपा स्लिप क्यों लगा रहे कोपा, मैंने कहा सर लास्ट हक लगाते हैं, फिर कोई मिला किसने कुछ बोला। तो आप इतने, जब तक आपको कोई चीज अच्छे से लिखी हुई नहीं होती तो आप हमेशा सोचते रहे यार क्यों, तो किसने कुछ बोल दिया, किसने कुछ कर दिया। फिर कई बार देखो कोई प्रॉब्लम हुई, अरे मेरे लास्ट जहाज पे मैंने ऐसा किया था, प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अरे भाई जय माता दी, वो कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते, तुक्का चलता है। सो ये रिक्वेस्ट है नवजोत थ्रू यू टू ऑल दोज यंग ऑफिसर्स, यंग इंजीनियर्स हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज प्लीज प्लीज, इफ यू वॉन्ट टू मेक इट गुड इन योर लाइफ, यू वॉन्ट टू अर्न रिस्पेक्ट ऑन शिप, स्टार्ट रीडिंग मैनुअल्स इवन इफ यू हेट इट, क्योंकि आगे तेरी रोजी रोटी मेरे भाई सिर्फ उसी से चलने वाली है। क्योंकि अभी तो ठीक है, जब तू सेकंड ऑफिसर बनेगा ना, जो चीफ ऑफिसर बनेगा, जब कप्तान बनेगा, तब तो एक्सपेक्टेशंस और हाई हो जाएंगी, एंड इट्स जस्ट यू कांट आस्क अदर्स देन, तो तब तो वही ना, तब क्रेडिटशिप आया ही था क्रेडिटशिप से, और उस टाइम था कि भाई चलो जिसने जो बोला हमने सीखे, तो मैनुअल्स तो बाद में पता लगा ना कि यार कंपनी प्रोसीजर होता है, मैनुअल्स होती हैं, ये इसमें ये मिलेगा उसमें वो मिलेगा, वो तो बाद में पढ़ना शुरू किया हम, जब हम थोड़ा सा बनके ब्रिज पे रहने लग पड़े, जब पहले तो था ही नहीं डेक पे रहना है, हमने थोड़ी देर के लिए ऊपर आना है, टास्क करके निकल लिया फिर से, तो फिर वही आई लर्न्ड इट द हार्ड वे। तो 22 मंथ्स लगे तुम्हें यार अनफॉर्चुनेटली टू क्लियर दिस सेकंड मेट्स एग्जाम, जिसमें बहुत सारी ट्रैवलिंग रही, ये चीज रही। तो यार एक तो जो मुझे समझ में आता है, एक तो मुझे लगता है कि शायद तुम ग्रुप स्टडी नहीं करते थे, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर रहता है कि मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि तुम एग्जाम देके घर वापस चले जाते थे राइट, फिर जब एग्जाम हो अगली बार आ गए। ग्रुप का ये प्रॉब्लम है सर, ग्रुप भी वैसा होना चाहिए, ग्रुप तो था हमारा बट ग्रुप में मेरे से भी तगड़े बंदे थे, एक से अलग लेवल के थे, तो यहाँ पर वो तो ये ग्रुप भी बहुत मैटर करता है, तुम ग्रुप कैसा सेलेक्ट करते हो, बट मुझे रिग्रेट कुछ नहीं है कि मेरा वो ग्रुप था, मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, उनकी शादी हो चुकी है, मैं उनकी शादी पे गया भी हूँ, अगर मैं चार बार फेल हुआ तो वो चार बार स्टार आया उनको, तो हमारा ग्रुप ही ऐसा था, तो आई वाज मैं स्टिल अच्छा था उनसे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सी मैं यहाँ पर इस माध्यम से कहना चाहता हूँ कि दोस्ती यारी बहुत सॉलिड रखो, ऐसी बनाओ कि तुम उनकी शादी में जाओ, तुम्हारी शादी में आए भाई बहुत बढ़िया है, लेकिन जब यार सी मेरे साथ क्या था नवजोत, कि जैसे कि यू कम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड सोडू आए, तो मुझे किसी ने बड़ी जल्दी ना बड़े आराम से, कभी बहुत लकी था, मुझे क्लियर कर दिया था कि प्रनीत एक बार जब तू फेल होगा तेरा सीधा 2.5 लाख 3 लाख का नुकसान होगा। मैंने बोला कैसे? कहता तू 2 महीने पीछे जाएगा, तेरे 1 महीने की सैलरी कितने, मैंने कहा 1.5 लाख का, 3 लाख का नुकसान हो गया तेरा। तो यार वो जब मैं मनी मैटर में देखता था ना कि एक बार फेल 3, यार फिर मुझे लगता था अगर मैं 2 बार फेल होगा साल 6 लाख, अबे इतना कहाँ से करूंगा, इतना तो है ही नहीं भाई, इतने में तो मैं घर की जमीन ले लूंगा, पापा का बर्डन खत्म कर दूंगा, अपना एजुकेशन उतार दूंगा, बहन के लिए छोड़ दूंगा। सो देन मेरे दिमाग से वो क्या चल, अब जब तुम चीफ मेट का एग्जाम दे रहे हो, भगवान करे तुम पहली बार में निकालो, अगर नहीं निकले, अगर रॉकेट लगाना है तो रॉकेट ये है कि चीफ ऑफिसर तनख्वाह कितनी है, इतने में कोठी बन जाएगी, अगर 4 बार में तुम निकाल रहे हो, पहली बार में करके फटाफट जा रहे हो। सो यार ये मेरे साथ काम करता था, दिस इज अ ट्रिक, पता नहीं माइंड पे तुम्हारे साथ कैसे काम करेगा या नहीं करेगा, बट नहीं आई टोटली एग्री, ये मैंने अभी सीखा है, जब सेकंड मेट तो चलो निकाल, अभी चीफ मेट कर रहा हूं तो मैं यही कैलकुलेशन लगाता हूं कि 1 महीना मतलब इतने लाख पीछे चले गए हम, और आई फील वेरी लकी जो बंदा ये वीडियो देख रहे हैं ना, कि हमने इतने मुश्किल से ये बात सीखी है, आपको फ्री फंड में सीखने को मिल रही है। सी ये मैं भी बहुत किस्मत वाला था, मुझे 4th ईयर के टाइम पे समझा दी किसी ने, तो उसके बाद ना अदरवाइज मेरी बड़ी कैजुअल अप्रोच थी, कूल टाइप रहता था, उसके बाद भाई मैंने स्ट्रेस टेंशन सब लेना शुरू कर दिया, निकालना है ये भी करना है, उसके नुकसान भी हुए क्योंकि क्या होता है जब कैजुअल होता है उसमें आप परफॉर्म कई बार अच्छा भी करते हो, मैंने इतना स्ट्रेस इतना टेंशन कि चेहरे पे दिखता था, इंटरव्यू को समझ आता, बट आई वाज लकी कि क्लास 4 मेरा पहला अटेम्प्ट में निकला, क्लास 2 मेरा 2 अटेम्प्ट, रिटर्न सब एक बार में निकला, क्लास 4 क्लास 2 क्लास 1, बट ओवरऑल मेरा क्लास 4 पहला अटेम्प्ट, क्लास 2 में 2 अटेम्प्ट लगे, क्लास 1 में भी 2 अटेम्प्ट लगे, बट आई कुड डू दैट। सो यार यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, प्लीज ग्रुप्स बनाइए। क्लास 1 में मेरे ग्रुप, मेरी बहन की शादी थी, माय सिस्टर वाज गेटिंग मैरिड, और उसके 7 दिन के बाद मेरा था, तो मैं 1.5 महीना पहले से लेकर इंटरव्यू मेरे 7 दिन बाद मैं पढ़ नहीं रहा था, सिर्फ रात को 1 घंटा मेरा ग्रुप अच्छा था, वो बैठ के मुझे बताते थे और मैं सुनता था बैठ के, अच्छा बंकर कन्वेंशन क्या होती है, क्या होता है, मैं अपने नोट्स लिखता था, वो बताते थे, और सिर्फ डेली मैं 1.5 घंटा 2 घंटे पढ़ता था, बट आई वाज जस्ट ब्लेस्ड विद सम वेरी गुड पीपल इन द ग्रुप, दोज हु हेल्ड मी, एंड आई कुड क्लियर दैट क्लास 1 इन द मतलब इन फ्रॉम मुंबई। भैया सर आपके चैनल से मैं एक और बात बताना चाहता हूँ जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, ग्रुप का आपने जो बताया बिल्कुल सही है, एंड मेरा भी ग्रुप वैसा था, बट अभी इस प्रॉब्लम इसमें क्या है कि हमारे जैसे मैं बताया कि कुछ थे जो अच्छी कंपनी से नहीं थे जो सीख नहीं पाए थे, कुछ जो बहुत अच्छी कंपनी से थे, कुछ जो नेचुरली पढ़ाई में अच्छे थे, तो अब क्या हुआ हम सब ने एग्जाम कोर्स साथ में दिया, उसमें हमारे बहुत अच्छे पढ़ाई वाले लड़के भी थे और हम जैसे थोड़े नॉर्मल भी थे, जब हमने एग्जाम दिया सभी ने, तो जो अच्छा वाला है वो 1st स्टैंडर्ड में निकल गया, अब वो ओरल की तैयारी कर रहा है,
अब जब मैं दिल्ली जहाँ भी रहा हूँ साथ रह भी रहा हूँ कि मैंने बोला फिर मेरे को उनको रिक्वेस्ट करना पड़ता था भाई आजा पढ़ाने आजा, वो आ भी जाता था अपने फ्री टाइम निकाल के गया तो वो पढ़ा देता हूँ। तो ये भी प्रॉब्लम एक होती है मतलब जो हमें देखनी चाहिए कि भाई ग्रुप में निकल गए एक साथ, तुम वरना पीछे हट जाओगे तो पीछे चलते रहोगे बंदे आगे निकलते रहेंगे। हाँ ये भी, और माता रानी जैसे आई वाज ब्लेस्ड कि मैं किस भगवान ने बड़ी रॉकेट लगा था ना पहले से दिमाग में, तो मैं किसी ना किसी तरह पहले स्लॉट में रह लेता था तो बच जाता था मैं, तो मैंने ये चीज फेस नहीं करी इसलिए मैं नहीं जानता, दैट इज अ गुड पॉइंट पुट अक्रॉस। तो यार ये रॉकेट प्लीज लगा के रखो, मौज मस्ती हर चीज की टाइम आएगी, लेकिन जब ये क्लास 4 क्लास 2 चीफ मेट सेकंड मेट के एग्जाम आए उस टाइम पे भाई 2 महीने के लिए जिंदगी की सारी चीजें भूल जाओ और निकाल लोगे, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, मैं राइट आगे बढ़। तो तुलानी का फर्स्ट शिप करने के बाद यार व्हाई डिड यू क्विट तुलानी, मैं तुलानी शिपिंग क्विट क्यों करी? तुलानी से मैं जब गया था तुलानी ज्वाइन किया, मैं फर्स्ट टाइम थोड़ा सा ज्वाइन किया था तो उसमें जूनियर ऑफिसर नहीं, हम जाते थे डायरेक्ट थर्ड ऑफिसर ज्वाइन जाते थे तो किसी से तो बनती थी, कुछ सिखा भी देते थे। फर्स्ट टाइम ऑफिसर थर्ड ऑफिसर जाना इज क्वाइट अ बिग डील क्योंकि आप इंडिपेंडेंट वॉच कर रहे हो, और अभी तो फिर भी बहुत अच्छा है कि आपके इंस्टा पे हम और यूट्यूब पे सब बता देते हैं। उस टाइम तो कुछ भी नहीं था सो आइडिया भी नहीं था। ऑफकोर्स मैंने 18-19 महीने शिप पे बिताए थे बट अंटिल अनलेस यू हैव पुट इन दोस शूज यू डोंट टेक द रिस्पांसिबिलिटी। सो इट्स अ डिफरेंट थिंग कि जब तक आप खुद थर्ड ऑफिसर बनके नहीं करते जितना मर्जी सीख लो जब जिम्मेदारी नहीं आती है तब तक वो चीज समझ में नहीं आती। अगली तो उन्होंने समझाया मेरे को, सिखाया, काफी सीखा भी मैं, बट देन पॉलिटिक्स शुरू हो गई एंड कुछ बातों पे आई यूज्ड टू डिसएग्री, और मतलब इट वाज कुछ चीजें काम के अलावा भी जैसे नॉर्मल मेरे फ्री टाइम में मैं क्या कर रहा हूँ उससे भी कुछ कईयों को प्रॉब्लम होती थी। आई एम नॉट टेलिंग कि मेरी कंपनी बिल्कुल अच्छी नहीं थी या फिर कुछ भी, कुछ लोग अच्छे ठीक है, तो फिर उसकी वजह से मैंने सोचा कि यार व्हाई नॉट ट्राई अ फॉरेन कंपनी, वहां पे भी इंडियंस ही होंगे। हम कभी कह देते हैं कि यार इंडियन कंपनी होते तो इंडियन ही, फॉरेन कंपनी भी आपको इंडियन ही मिलेंगे, बट वो होता है कि टाइम टू टाइम क्रू कैसा मिल रहा है, आपका बिहेवियर कैसा है, आप कौन से रैंक पे हो, आपका कितना एक्सपीरियंस है। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि वो लोग गलत है, कहीं मैं भी गलत होऊंगा क्योंकि मैं अभी फर्स्ट टाइम थर्ड ऑफिसर था, मुझे भी कई चीजें बाद में रियलाइज हुई कि यार शायद उस टाइम मैं गलत था, वो गलत नहीं था, बट इट वॉज अ बिट लेट और प्लस आई वॉन्टेड टू ट्राई सम अदर थिंग, मैं हमेशा कुछ नया चाहता हूँ। So I thought why not foreign company, so I quitted Tulani and I joined Anglo. Okay, अच्छा इस पे मैं नवजोत से मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, I don't want names, ranks, anything, because leadership के लिए, but मैं एक चीज़ नवजोत के point of view से, see जब भी हम ये word नवजोत ने एक बड़ा strong word इस्तेमाल किया that is politics ownership and I hear it all the time. मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि यार politics नहीं हुई, मैंने fourth year के time पे देखी है, third year के time पे देखी है, third year के time पे करी भी है, can you imagine that? Unknowingly, मतलब चाहता नहीं था हो गई। इस पर मैं अभी मैं एक YouTube पे सीरीज बना रहा हूँ माई लाइफ माई मिस्टेक्स, तो धीरे धीरे उसमें सारी चीज़ें जो मैंने जिंदगी में गलत करी हैं चीज़ें सीखी हैं वो सब लेकर आ रहा हूँ। सो उससे जो जो देखेंगे वो रिलेट कर पाएंगे, नवजोत अगर तुम भी देखोगे यू रिलेट समडे विद योर अदर कि यार तो मेरे साथ भी हुआ है। तो डेफिनेटली आई विल गो थ्रू इट। तो जब पॉलिटिक्स का वर्ड लेते हैं बट एज ए सेकंड इंजीनियर आई रियलाइज कि मेरे पास ना बहुत ज़्यादा पावर आई एंड देन व्हेन आई बिकेम चीफ योर मैसिव पावर आई कि पॉलिटिक्स ऑनशिप स्टार्ट्स फ्रॉम द लीडर इटसेल्फ। जैसे कप्तान सबसे ऊपर अगर वो अच्छे हैं तो आप ऑटोमेटिकली देखोगे पूरे जहाज का माहौल बहुत अच्छा होगा। अगर चीफ इंजीनियर अच्छा है तो पूरे इंजन रूम का माहौल ऑटोमेटिकली काफी हद तक अच्छा हो जाएगा, बिकॉज वो किस तरह से बात कर रहे हैं, कैसे स्ट्रेस कम कर रहे हैं, अगर कोई खराब बंदा बीच में है जो कि खराब माहौल कर रहा है तो उसे कैसे हटाना है, नलीफाई करना है, उसे कैसे लाइन पे लेकर आना है, ये लीडर का काम है। तो अगर मैं नवजोत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं और बोलूं कि पॉलिटिक्स ऑनशिप, तो नवजोत जैसे जितने भी उस टाइम यंग थर्ड ऑफिसर्स हैं जो सेकंड ऑफिसर्स हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑलवेज टेक इट इन दिस वे कि होल वर्ल्ड इज गुड एंड आई एम बैड। कुछ भी गलती चल रही है पॉलिटिक्स हो रही है तुम बोलो कि यार मैं इसमें क्या योगदान दे सकता हूँ, कि अपने काम में इतने अच्छे हो जाओ, इतने बिजी हो जाओ कि तुम्हें दुनिया की कोई वो ना रहे, और अगर तुम्हें लगे फिर भी कोई तुम्हें फिंगरिंग कर रहा है तो जो वो मांगे उसे दो, क्योंकि यार आई बिलीव कि जहाज पे कभी भी आप हार्डवर्क से नहीं मरते, चाहे 12 घंटे बोले कोई 14 घंटे बोले, लेकिन जब स्ट्रेस होता है 20-22 लोग हैं, लड़ाई झगड़े हो जाए, तूने ऐसा कर दिया मैंने ऐसा कर दिया, वो जो स्ट्रेस होता है ना यार दैट इज वेरी डिसहार्टनिंग, वेरी डिसगस्टिंग, इट मेक्स यू सल्क इट एवरी डे मॉर्निंग व्हेन यू गो ऑन ब्रिज यू विल फील यार मैं कहां फंस गया यार, आज फिर उसकी शक्ल देखनी पड़ेगी, चला फिर वो बंदा मिलेगा, फिर वो कुछ बोलेगा, फिर मैं कुछ बोलूंगा, तूते मैं होगी जय माता दी। सो एट दैट टाइम बी द बिगर पर्सन Whatever the thing is, जय माता दी यार तू खुले दिल से ले, तू खुश रहे यार, जय हम तेरे साथ हैं, हम भी खुश रहेंगे, एंड होल वर्ल्ड इज गुड एंड आई एम बैड, एंड बी गुड एट योर वर्क। एंड नाउ कमिंग टू ऑल दोस लीडर्स हु आर वॉचिंग, चीफ ऑफिसर्स, कैप्टन्स, चीफ इंजीनियर्स, सेकंड इंजीनियर इंक्लूडिंग मी एज वेल,
I'm not saying I'm a good leader, but I want to become one day someone like those chief engineers whom I've worked with. But what I've learned from them is कि अगर आप अच्छे हैं सर, तो जहाज पे दुनिया कोई आदमी माहौल खराब नहीं कर सकता, और आपका जूनियर कोई सवाल ही नहीं उठता अगर आपसे इंस्पायर हो जाए तो वो काम आपको ना करके दे, ऐसा हो नहीं सकता। मतलब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होगा कि आपको कोई ऐसा बंदा मिलेगा जो कि बोले कि मैं नहीं करता, मेरे को उतार दो। अदरवाइज इफ यू आर रियली अ गुड लीडर, पीपल विल लुक अप टू यू, दे विल फील इंस्पायर्ड एंड दे विल मूव अहेड। सो जस्ट ट्राई टू गेट दैट लीडरशिप अक्रॉस, बिकम दैट लीडर हु इंस्पायर्स योर जूनियर। सॉरी आई गॉट जस्ट यार, मैं कई बार भावनाओं में बह जाता हूँ जब ऐसी निकल जाती है, फिर मैं से रुका नहीं जाता। Totally fine sir, नहीं आप अच्छा बता रहे हैं। It was not planned, but once you said that politics, I had to jump into, just put my view across. Anyways, आगे बढ़ते हैं। So यार, अभी इस पे आगे नहीं, because आगे दुनिया को पता है यार, you are on Instagram, then you joined Anglo Eastern, your second ship, and then you're sailing on Vale ships, then you shifted on FedNav ships in Anglo Eastern, you're doing very good, you're second officer today. The thing is, अभी मैं तुमसे दो चीजें जानना चाहूंगा। फर्स्ट चीज जानना चाहूंगा कि यार तुमने वन कैप्टन हुम यू वुड वांट टू डेडिकेट दिस वीडियो कि ही वाज वेरी गुड लीडर, जिससे तुमने बहुत कुछ सीखा या क्या सीखा है वो बताना चाहूंगा, जानना चाहूंगा मैं। सर व्हेन आई जॉइन एंग्लो, आई वाज कमिंग फ्रॉम अ तुलानी शिपिंग, दैट इज इंडियन कंपनी, एंड व्हेन आई जॉइन एंग्लो इट इज अ हांगकांग बेस्ड कंपनी। सो टोटली डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू योर कंपनी प्रोसीजर्स and the behavior of people, the work culture totally different. मैं ये नहीं बोल रहा एक का गंदा है एक का अच्छा है, एक का गंदा है एक का अच्छा है, वो different था I'm saying. So वहाँ पे जब गया तो it was difficult for me to settle down, क्योंकि मैं बहुत ही अलग, 19.5 महीने मैंने क्रेडिटशिप में किए, 8 महीने मैंने, 8.5 महीने मैंने थर्ड ऑफिसर में किए। सो अभी मेरे में एक मेरा प्रोसीजर बन गया था, मैं आई न्यू कि भाई ये चीज़ें ऐसे चलती हैं, बट वहाँ पे आके मुझे पता लगा नहीं, दुनिया और भी है भाई, और भी प्रोसीजर्स होते हैं, ये तुम ये काम करने का अलग तरीका भी हो सकता है। सो जब व्हेन आई वाज ट्राइंग टू इनकल्केट इन मी कि ऐसे कर सकता हूँ मैं काम, तो मेरे को दिक्कतें आ रही थी। सो उन्होंने मुझे सिखाया, और उन्होंने मेरे को बहुत ऐसे प्यार से, स्पून फीडिंग नहीं की, उन्होंने बहुत दिमाग लगा के बहुत अच्छे तरीके से मुझे सिखाया। तो वो जो तरीका था उनका, आई रियली अप्रिशिएट इट। अभी जैसे सुबह 8 बजे आया, तो वो पहले मेरे से पहले होते थे, सो मेरे को होता था कि पहले मैं 8 बजे टाइम पे आ जाऊँ, 8 बजे पहुंच गया, फिर वो अपना काम में लगे, देखते थे मुझे देखते रहेंगे, मुझे आते अचानक से पूछ लेंगे, अरे वो ए भी कहाँ काम कर रहा है, और मैं तो पीछे कंप्यूटर पे होता था या अगर ओपन सी में, तो मैं बोलूँ सर, तो कहते यू शुड नो तुम्हारी डेक पे पीपल क्या काम कर रहे हैं, कहाँ पे हैं, थोड़ा आइडिया होना चाहिए। मैं ठीक है सर, तो मैंने वहाँ से ध्यान देना शुरू कर दिया। फिर अभी मैं आगे ही देख रहा हूँ, तो पीछे आके बोलेंगे अरे रेडार ये टारगेट क्या है, तो फिर मैं सिचुएशनल अवेयरनेस, वो बल्कि रेडार के 12 माइल के बिल्कुल डॉट उसका आएगा ही, अभी एको आएगा ही, और वो देख लेते थे, और यार अभी तो आया, अभी तो नहीं था ये, तो वहाँ से सीखा। फिर उन्होंने 10 बजे हमने कॉफ़ी पीनी, और उस टाइम हम काम की बातें नहीं करेंगे, अपनी पर्सनल लाइफ या फिर जो भी हमें बात करनी है। सो एंड जब इंग्लिश स्पीकिंग हमारी कंपनी में इंग्लिश में बात करनी चाहिए, तो वर्किंग लैंग्वेज इंग्लिश है, सो यू शुड ट्राई टू पुट दैट फॉरवर्ड कि भाई जब काम की बात करें तो ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली। और नीचे भी हम ये करते थे, अपने फ्री टाइम में तुम रूम में जो मर्जी बात करो। सो एक डिसिप्लिन और एक अच्छा बिहेवियर, कंपनी प्रोसीजर्स कैसे काम करने का और तरीका, और बाकी लोगों को कैसे हैंडल करते हैं, ये उनसे मैंने सीखा। तो इन कैप्टन साहब का नाम क्या है? इन कैप्टन साहब का नाम है कैप्टन लेन मास्केरेनस, ही इज फ्रॉम गोवा। कैप्टन मास्केरेनस फ्रॉम गोवा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज नवजोत, अगर उनको रीच आउट कर सकते हो, आर यू इन कॉन्टेक्ट विद हिम? Yes, I have his WhatsApp number. Reach out to him and share this video, Captain Mascarenhas. You have been an inspiration leader. And from virtually we decoded, we really feel blessed and honored to have your name on this show. Thank you very much, sir, to inspire this young gentleman who still remembers you. And through this, we want to tell every young captain, every young chief officer, every young second officer, ki now Navjot, you have been mentored by Captain Mascarenhas. Now it is your duty to become such a captain who can become someone like him and at least mentor 10 more cadets under you. That is the goal that you need to have. Sure. Right. Okay. Ek agla question. Last. Ek bad leadership ka example. Ek aise kaptan, unka naam nahi janna hai mujhe, kahan se hai wo nahi janna hai. Ki yaar unki kya cheez thi jo ki aapko lagta tha yaar wo bahut kharab thi. Aisa tum kabhi nahi karna chahoge kisi junior ke saath ya kisi ke saath bhi. Hum meeting mein the. हमारी सेफ्टी मीटिंग चल रही है और सभी अपना अपना प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, और प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी, और इट वाज विद रिस्पेक्ट टू वाटर एंड एवरीथिंग। तो ड्रिंकिंग वाटर प्लस बेदिंग वाटर, तो उसमें कुछ बात हुई, तो उनका साइन अप होने वाला था थोड़े टाइम में ही, तो उन्होंने बोला ये मेरा घर थोड़ी ना है,
मीटिंग में बोला गया ये बात, और मुझे आज तक यही सीखा था मैंने कि जहाज हमारा घर है, और उसने बंदे ने ये बोल दिया कि ये जहाज घर थोड़ा ना मेरा, कि प्रॉब्लम मैं सॉल्व नहीं कर सकता, घर थोड़ी ना मेरा, ऐसा कुछ बोला उन्होंने। सो ये चीज वहां पे सभी पूरा क्रू बैठा हुआ था, ये मतलब आई कुडंट डाइजेस्ट इट यार, ये बंदे ने कैसे बात बोल दी, बट चलो क्या कर सकते हैं। चलो कई बार हो सकता है कि नॉट इन फ्लो, या कई बार यार मैं अपनी तरफ से बोलूँ तो मैंने भी एक दो बार किया, मैं तो काफी बार कोई ऐसा बोल देता हूँ विच आई डोंट मीन, और फिर बाद में रिग्रेट भी हो सकता है, आज भी रिग्रेट भी कराओ बाद में उन्होंने, आई डू नॉट नो दैट, बट हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एज लीडर्स वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल विद वॉट वी आर सेइंग, वी हैव टू बी, बिकॉज जैसे कि नवजोत को ये बात अभी तक याद है, चुभी हुई है, शायद वो कप्तान साहब भूल गए हो, बाकी लोग भूल गए हो, बट कौन सी बात कब किसको स्ट्राइक कर जाओ, एकदम से आपको इमेज को यहाँ से यहाँ लेकर यहाँ चले जाओ, पता नहीं चलता है, पॉइंट वेल टेकन, दे चली जाती है। तो मुझे भी ये ख्याल रखना पड़ेगा, बिकॉज कई बार मैं भी बोलना चाहता हूँ चीजें बोल दूंगा विच आर नॉट गुड, आई विल टेक केयर। सो विद दिस नवजोत, ऑल आई वॉन्ट टू से इज थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन दिस यूट्यूब चैनल एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस, एंड मे गॉड ब्लेस यू, एंड मे गॉड मतलब तुम एक बहुत फैंटास्टिक लीडर बनो, और साथ साथ किताबें पढ़ो खतरनाक तरीके से, वो बहुत जरूरी है, नॉलेज इज पावर ऑन शिप, ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है, पॉइंट दिस हैज टू बी टेकन, नॉट वेल टेकन बट पॉइंट हैज टू बी टेकन, ठीक है, डन डन ऑलरेडी, आई एम ऑन टू इट, चलो ठीक है, चलो थैंक यू आंटी को मेरे से पैरी पहना, सत श्री अकाल कहना, जय माता दी, टेक केयर, बाय 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 सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, इट वाज अ प्लेजर, एंड आई यू हैव माय बेस्ट विशेस, आप और भी लोगों को इंस्पायर कीजिए, और भी लोगों को मच न्यू ज्वाइन कराइए, एंड मैं चाहता हूँ कि जो न्यू कैडेट्स आ रहे हैं, न्यू ट्रेनीज हैं, या फिर जो ऑलरेडी शिपिंग में ये वीडियो देख रहे हैं, लेट्स गिव आवर बेस्ट एंड अपने इंडियंस का नाम और रोशन करें, क्योंकि सी फेयरिंग कंपनी बहुत बड़ी हो रही है हमारी, इंडियन कंपनी जो हम इंडियन पॉपुलेशन है हमारी, तो हम अच्छा करते रहें, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस चैनल एंड एजुकेटिंग पीपल, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, थैंक यू सर, बाय बाय, टेक केयर सर, यू टू, बाय बाय बाय, सच जगह बाय।